राजस्थान के अलवर में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड पुलिस के डीएसपी की तुलना गुंडे से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसपी ने गैंगवॉर की घटना में आरोपियों की जगह कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हीं की रिहाई की मांग पर पुलिस और बीजेपी सांसद बालकनाथ आपस में उलझ गए। इसी दौरान उन्होंने डीएसपी को वर्दी वाला गुंडा करार दे दिया। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। राजस्थान के अलवर में 4 दिन पहले एक अस्पताल में गैंगवॉर की घटना हुई थी। आरोप है कि इसी मामले में पुलिस ने छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुँचे कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 लोगों की हत्या के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पूरी वारदात आपसी रंजिश को लेकर हुई थी, जिसमें दोनों गुटों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक साइको किलर की वजह से दहशत मच गई है और आरोप है कि वहां एक सिरफिरे ने कई बुजुर्ग महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें जान से मारने का तरीका बिल्कुल एक सा था। पुलिस का दावा है कि साइको किलर ने पहले तो महिलाओं का रेप किया और फिर उन्हीं के कपड़ों की मदद से उनका गला घोंट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह सुबह वो अपने घर से बाहर गई थी जंगल के लिए 29 दिसंबर के दिन, तब से वो नहीं लौटी। 30 दिसंबर की सुबह में उनकी बॉडी मिली थी। बताया गया कि हत्या का पहला मामला 5 दिसंबर 2022 को सामने आया, जब 60 साल की एक बुजुर्ग महिला का शव खेत से बरामद हुआ, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप होने और फिर गला घोंटकर मारे जाने की पुष्टि की गई। इसके बाद 17 दिसंबर को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां 62 साल की एक महिला की हत्या रेप के बाद ठीक उसी तरह से की गई और फिर 30 दिसंबर को एक 65 साल की महिला का भी रेप के बाद इसी तरह से कत्ल कर दिया गया। शरीर के कपड़े भी नहीं थे और वो भी गला धार के मार दिया गया था। उसके बाद में उसके गांव वाले ने अपने घर ले आए थे। बताया गया कि इन घटनाओं के बाद पुलिस ने साइको किलर की जांच के लिए 3 टीमें तैनात कर दी। वहीं उस पर 25,000 का इनाम घोषित करते हुए उसके पोस्टर भी जगह जगह लगवा दिए, ताकि जल्द से जल्द ये हत्यारा गिरफ्त में आ सके। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की वजह से दोनों के बीच कई महीनों से बैठकें नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में गवर्नेंस और जनहित के लिए बैठकें शुरू होनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। मुंबई में रिंदा और सोनू खत्री गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें उनकी मदद मुंबई एटीएस ने की और गैंगस्टर रिंदा के गुर्गों को धर दबोचा, जो लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। ये तीनों ही मुंबई के कल्याण में छिपे हुए थे। 2-3 दिन से यही रहे थे, हम इनको फॉलो कर रहे थे। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मुंबई एटीएस के साथ मिलकर रिंदा और सोनू खत्री गैंग से जुड़े इन तीनों कुख्यात बदमाशों को पकड़ा। इन पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी और सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी को नियमों के खिलाफ बताया। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। सीबीआई ने अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट इलीगल है और इसीलिए इमीडिएटली इनको छोड़ देना चाहिए। दोनों को दिसंबर में सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। दिल्ली में मुखबिरी के शक में एक आदमी की हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना गोविंदपुरी इलाके की है। आरोपी है कि शायल को शक था कि पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद अयूब की मुखबिरी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा। इसी वजह से उसने अयूब पर हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शाहिल को गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी जो शाहिल को गिरफ्तार किया गया था, वो हत्या का ही मामला था। जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, जिसके बाद देखते ही देखते 3 घंटे के अंदर कोचिंग सेंटर के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। बुलडोजर ने 5 मंजिला इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। पर माफिया की बिल्डिंग को जयपुर में जमींदोज किया जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा। असल में पिछले महीने 23 और 24 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और इस मामले में 6 नकल माफिया समेत 55 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला कि पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर है, उसने बुलडोजर वाली कार्रवाई की और अवैध कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया।
खुशी मच में बर्बादी के बीच लोग दहशत में हैं। उधर प्रशासन पीड़ितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है, पर इन सबके बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज जोशी मठ का दौरा करेंगे। वहां वो स्थानीय प्रशासन और आम लोगों के साथ ही सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम और रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम भी कल जोशीमठ पहुंचेगी। अधिकारियों के मुताबिक जो इमारतें खतरा बन चुकी हैं उन्हें गिराने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जोशीमठ में जमीन खसकने के मामले में दायर की गई याचिका जो जनहित याचिका है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये याचिका शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दायर की गई है। तो जोशीमठ में आई आपदा के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम भी वहीं मौजूद है और हमारी टीम एक ऐसी महिला के घर पर पहुंची जो कि चल फिर नहीं सकती है। उन्होंने घर में दरारें आने की बात बताई, किराए के मकान में फिलहाल वो रहने को मजबूर है। उनका ये कहना है कि मकान में आई दरारें धीमे धीमे और बड़ी होती चली गई। अब ये परिवार सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ती ही जा रही हैं, आफत बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, एक ऐसी महिला के घर में जो दरअसल चल फिर नहीं सकती हैं। सहारा लेकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, व्हीलचेयर पर हैं और इस आपदा की मार की वजह से दरअसल उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है और अब वो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। अंदाज़ा लगाइए कितने मुश्किल उनके लिए ये हालात हैं, कितनी मुश्किल उनके लिए जिंदगी है। उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से डर के साए में वो जीने को मजबूर हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रीना देवी है। रीना देवी जी कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? मैम हमको एक साल हो गया। एक साल हो गया एक साल से आप किराए के मकान में रह रही हैं। घर के क्या हालात हैं आपके? मैम घर में पहले हल्की हल्की दरारें आई और फिर मतलब रहने लायक नहीं है घर अभी तो। और बच्चे थे छोटे छोटे, मेरी भी तबीयत खराब है और मतलब घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है मैम। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब अपना घर होता है तो थोड़ी आसानी होती है, लेकिन जब आप चल फिर नहीं सकते हैं तो किराए के मकान में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? मैम ऐसे ही कर रहे हैं, गुजर बसर क्या करें, अपनी ज़िंदगी तो बचानी है मैम, अपने बच्चों की अपने भविष्य के लिए हमने मकान बनाए थे। तो मकान क्या अभी क्या हालात है? बहुत बुरी हालत है मैम, सामान सारा घर में पड़ा है। हम खाने पीने के लिए लाए हैं 2-4 बर्तन यहाँ पे मैम। तो मदद क्या किसी तरह की कोई मदद मिली है अभी तक? मैम अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिली है। अब कह रहे हैं कि सरकार करेगी मदद, क्योंकि बहुत लोगों को शिफ्ट किया है, बहुत लोगों के पास मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आपके पास भी पहुंचेगी? जी मैम पहुंचेगी, जब सबके पास पहुंचेगी तो हमारे पास भी पहुंचेगी मैम। तो जोशीमठ में लोग परेशान हैं, आंखें नम हैं और इसी जोशीमठ में आई आपदा के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। जोशीमठ में जिन घरों, दुकानों और होटल्स को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है उसके बाहर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। जोशीमठ में कई सारे घर हैं जिनके सामने रेड क्रॉस का निशान दिखाई दे जाएगा, इन घरों को फौरन खाली कराया जा रहा है। घरों पर खतरे का निशान, दुकानों पर लाल निशान, होटलों पर खतरे का निशान। जोशीमठ से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जिन इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है उन सभी की दीवारों पर ऐसे खतरे के निशान लगा दिए गए। जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों, होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं, क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं। और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये दो भागों में कट गया है, इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं।
में किसी की दीवारों में मोटी दरारें हैं, किसी की सीढ़ियां चटक चुकी हैं, कहीं पिलर में बड़ा गैप आ चुका है। जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है, यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल देख रहे हैं, और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है, मतलब मैं यहां से भी, यहां से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गई, ये दीवार यहां से यहां तक पहुंच गई है। और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए। ऊपर की तरफ आप चलते हैं तो ये सीढ़ियां आप देखें कि अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। यहां आप देखें फिर उसी तरीके का गैप नजर आ रहा है। पहले लोगों ने इन दरारों को सीमेंट से भरने की कोशिश की, आपदा से बचने के तमाम जतन किए, इसके बावजूद खौफ की दरारें बढ़ती जा रही हैं। यही बाहर देखे जहाँ क्रॉस लगा उसके ठीक नीचे आपको मोटी मोटी दरारें, उसके ऊपर खिड़की के पास का हिस्सा जब आप देख रहे हैं तो आप देखें कि पूरा टूट गया है। लकड़ी की मदद से अभी ऊपर के हिस्से को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो खंभे से लगाए गए लकड़ी के, लोहे के, उससे ये बालकनी का जो पूरा एरिया है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरे गड्ढे ही गड्ढे, गहरी दरारें नजर आ रही हैं, और जाहिर तौर पर यही कारण है कि प्रशासन ने इस घर को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है। साफ कहा है कि इस घर को खाली करें। ये हालत यहाँ पर जरा ऊपर देखें किस तरीके से मोटी मोटी दरारें, जिस तरीके से हम तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं, जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। जहां खतरा ज्यादा है, दरारों का डर बेहिसाब है, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, और जो बचे हैं वो अपना सामान ले जाते दिखे। प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को प्राइमरी स्कूलों, गुरुद्वारों, कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। ये वो जगह हैं जो प्रशासन की नजर में सुरक्षित हैं। तो जोशीमठ में जमीन लगातार खिसक रही है और इस वजह से प्रशासन की परेशानी भी बढ़ गई है। अब दफ्तरों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के बाहर की तस्वीर आपके सामने है, यहाँ लॉकर को भी गोपेश्वर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में जिस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है, भूदशा हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप देखिए जो ये बैंक का सामान है ये भी शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनों को अब बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ पे बैंक ने लोगों को ये भी कहा है, यहाँ पे एक सूचना यहाँ पे लगाई हुई है, आपको देखेंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि सभी जो लॉकर धारक है वो उनको सूचित किया जाता है कि आप कृपया अपने लॉकरों का इंश्योरेंस करवा लें, किसी भी प्राकृतिक अनहोनी की स्थिति में बैंक आपके लॉकर में रखे हुए सामान का जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों ने जोशीमठ के लिए प्रार्थना की। इन लोगों ने लाइन नंबर 17 से ताज चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। जोशीमठ के रहने वालों के लिए दुआ मांगी गई, साथ ही सरकार से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंचाने की मांग भी की गई। जोशीमठ वालों के लिए, वो जिस टाइम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस जो उनको आज इस टाइम पे परेशानी हो रही है, बस हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनके हक में अच्छा हो, सरकार उनकी मदद करे। वो भी हमारे भाई हैं, इस मुल्क के हैं, हमारे साथी हैं, और पुरजोर हम सरकार से उनका समर्थन चाहते हैं, सरकार हर तरीके से उनका साथ दे। और वही जोशीमठ का सेदार इलाका वो जगह है जो कि पूरी तरह से खतरे की जद में है। सेदार इलाके में घरों को खाली कराया जा रहा है, कई मकानों को खाली करा भी दिया गया है। उधर सेदार में 56 इमारतें खतरे की जद में है। जो घर खाली कराए गए हैं उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। छह सौ से ज्यादा घरों पर खतरा, कुछ होटल में दरारों की दहशत, कई दुकानों में दरारें। जोशीमठ में इस समय खौफ का मंजर पसरा है, हर चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। जिंदगी भर के खून पसीने से जिस आशियाने को बनाया, अब उसे ही खाली करना पड़ रहा है। अपनी ही आंखों से अपने आशियाने को तबाह होते देखना सबसे बड़ा दर्द है।
जोशीमठ के सिंहधार इलाके के लोगों पर इस समय कुछ ऐसा ही बीत रहा है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। हाँ जी, क्या करना, ये सामान ले जाना पड़ रहा है हमको, ये परेशानी हो गई। अब यहाँ मकान खतरे में, तो आपका घर आप छोड़ देंगे? अब क्या करना, यहाँ ही रहेंगे ना, जोशीमठ में कहीं भी रहेंगे, जोशीमठ अपन घर देखेंगे। यहाँ जमीन ने छोड़ते, अपनी जमीन है, हमारी गाय है, बाछी है, हाँ, कहाँ जाए, बच्चे स्कूल के है, उनकी बहू से खराब हो गई, क्या करना। देखिए यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैकिंग यहाँ पर की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आफत कुछ इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है, दुकानों को खाली करके जाना मजबूरी बन चुकी है। जोशीमठ में इस संकट को लेकर स्थानीय लोग क्या वजह बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो टनल बनी है NTPC की, तो उसकी वजह से हमारे पूरा जोशीमठ भोग साहब को इसमें आई है, और यहाँ पे JP कंपनी में यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, तो ये भी उसी का पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे 250 ब्लास्टिंग होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र में ये दरारें आई है, ये अभी करीबन एक हफ्ता हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या आपका कारोबार भी है? यहाँ पे मेरी दुकान है यही सामने पे, तो मेरे एक दुकान का सहारा है यहाँ पे, एक अपना रोजी रोटी का वो है, तो ये सब खत्म हो चुका है। तो अगर सरकार यहाँ पे हमको विस्थापन भी करती है कहीं पे भी, तो उसके साथ अगर हमको रोजगार का भी अवसर दिया जाए उसमें, वरना हमारे बच्चे इस तरीके से भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम उनकी फीस कहाँ से दे पाएंगे। जोशीमठ में बीते दिनों से बेहिसाब निर्माण कार्य भी हो रहे थे, जिसे प्रशासन ने फौरन रोक दिया है। कुछ लोग इस निर्माण कार्य को भी संकट की वजह मान रहे हैं। लगातार बेतरतीब निर्माण को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस आपदा के पीछे, और हमें इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मौजूद है, जिसे कि जानकारी के मुताबिक 10 दिनों पहले ही बंद करवा दिया गया था, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया गया था, और सरकार पूरी तरीके से, प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को लेकर अलर्ट है कि किसी भी तरह का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो ना किया जाए, क्योंकि बोझ बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जोशीमठ के सिंहधार इलाके में 56 से ज्यादा घर इस खतरे की जद में है, लगभग सभी परिवारों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, और जो बचे हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ के पीड़ितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है, प्रशासन सभी लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रहा है, शिविरों में रह रहे लोगों की मदद भी की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इसी बीच नगर पालिका की ओर से बनाए गए किचन का दौरा करने पहुंची, जहाँ पीड़ितों के लिए खाना बनाया जा रहा था। अब प्रशासन ने यहाँ पे नगर पालिका में एक किचन बनाया है, जहाँ पे लगभग 87 परिवार के जो लोग छूटे हुए हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए अभी यहाँ पे खाना बन रहा है, लगभग बताया जा रहा है कि 200 लोगों का ही खाना बनेगा, और उसके बाद इसको यहाँ से पैक करके ले जाया जाएगा राहत शिविर जहाँ पे लगाए गए हैं। हमने जिस तरीके से चमोली के जिलाधिकारी से भी बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। राहत शिविर में जो परेशानी शुरू में आ रही थी उसको ठीक कर दिया गया है, किसी को भी इस समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन सब तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये अधिकारियों का कहना है। अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पन्ना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर बीच सड़क पर एक लड़के ने अस्पताल के वार्ड बॉय के ऊपर हमला कर दिया। आरोपी लड़के ने डंडे से पीड़ित के ऊपर कई बार हमला किया। उधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे और वैधानिक कार्रवाई पूरी करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाए। खबर है कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इस हफ्ते करीब 3,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकता है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स कंपनी इस हफ्ते सबसे बड़ी छटनी करेगी। इस कंपनी में कुल 49,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। अगर छटनी हुई तो सबसे ज्यादा असर कोर ट्रेडिंग और बैंकिंग इकाइयों के कर्मचारियों पर पड़ेगा। और उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सम्मेलन में विशेष डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को विदेश की धरती पर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। सक्त और समर्थ भारत की आवाज सुनाई देती है। कोरोना की वजह से 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया।
उधर मेक्सिको सिटी में हुए एक ट्रेन हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 57 लोग घायल हो गए जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवान मुस्तैद नजर आए जबकि मेट्रो के कर्मचारी हादसे वाली जगह का मुआयना करते दिखे। दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। और उधर उत्तर प्रदेश के माओवाद से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक लड़का तमंचा लहराता दिखाई दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें वो लड़का बेखौफ होकर हवा में पिस्तौल लहराता नजर आया। इतना ही नहीं फिल्मी गाने पर पिस्तौल के साथ नाचता भी दिखा। 20 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी लड़का पिस्तौल को हाथ में लिए हुए था। उसके साथ कई और लोग भी डांस कर रहे थे। वहीं किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया जिसके बाद जन्मदिन को यादगार बनाने की उस लड़के की कोशिश उसी के लिए भारी पड़ गई और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं अब पुलिस आईपी एड्रेस के जरिए लड़के का पता लगाने की कोशिश में लग गई है। इसराइल के शहर तेल अवीव में बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी जिसके विरोध में तेल अवीव में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार की नीतियों के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोग सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखा। भीड़ की वजह से सड़कों पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए। एक तस्वीर में कुछ लड़के और लड़कियां हाथों में तख्तियां लिए नजर आए जबकि कई लोग इसराइल का झंडा लहराते दिखे। ट्विटर पर वायरल हुए एक अजीबोगरीब जीव के वीडियो ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। दावे किए जाने लगे कि वो जीव इस पृथ्वी से नहीं है बल्कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया एलियन है क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बिच्छू के साइज का वो जीव एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आया। मतलब उसके शरीर के आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे वो जेली से बना हो। ऐसा अनदेखा जीव देखकर सोशल मीडिया पर लोग उसे एलियन बताने लगे। जिस मछुआरे ने समंदर से उस जीव को पकड़ा उसे भी उसके एलियन होने का शक हुआ लेकिन कुछ न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि समंदर की गहराई में पाए जाने वाला फ्रोनिमा नाम का जीव है। ये वीडियो भी ताजा नहीं है, ये कुछ महीने पुराना है जो दोबारा वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जहां पर कुछ बदमाशों ने एक मकान में तोड़फोड़ की जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दिखा कि हाथों में डंडा लिए बदमाश मकान में तोड़फोड़ कर रहे थे। वहीं कुछ बदमाशों ने मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया। बताया गया कि एक महिला ने नल से पानी नहीं आने की शिकायत पंचायत से की थी जिसकी वजह से ठेकेदार और उसके कुछ साथियों ने महिला के मकान में तोड़फोड़ की। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और 20 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश की अयोध्या जेल से 98 साल के बुजुर्ग कैदी को रिहा किया गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जहां जेल कर्मचारियों ने बुजुर्ग कैदी को विदाई दी। माला पहनाकर और कंबल ओढ़ाकर उन्हें सहारा देते हुए जेल से बाहर लाया गया। सिपाही जा रहे हैं आपको घर पहुंचा के आएंगे। राम सूरत नाम के ये बुजुर्ग कैदी पिछले 5 साल से अयोध्या की जेल में बंद थे लेकिन रिहाई के वक्त परिवार का कोई सदस्य उन्हें लेने नहीं आया जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें अपनी गाड़ी से घर भिजवाया। और इधर राजस्थान में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे को दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उस पर आरोप है कि उसने 10वीं की एक छात्रा का गैंगरेप किया और इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे दौसा की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय के आदेशानुसारी गिरफ्तारी वारंट पर दस्तखत किया। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के अलावा 2 और लोग भी इस वारदात में शामिल थे जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और इस बीच खबर है कि अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसका नतीजा राहुल गांधी के पक्ष में है। हालांकि राहुल गांधी 2024 में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यह अब तक साफ नहीं है जबकि स्मृति ईरानी पहले ही उन्हें अमेठी से मैदान में उतरने की चुनौती दे चुकी हैं। खबर है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अमेठी से राहुल की जीत का दावा किया गया है। मजबूत गढ़ रहा है और हमेशा गांधी परिवार वहां से चुनकर आए हैं लेकिन अब फैसला तो उनको स्वयं करना होगा। सूत्र के मुताबिक 2024 में अमेठी को गांधी परिवार के लिए रायबरेली से भी ज्यादा सुरक्षित सीट बताया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है जहां पर आपसी विवाद में भाई ने भाई पर ही हथियार से हमला कर दिया जिसका वीडियो अब वायरल है।
जिसमें आरोपी लड़के ने सिर पर हथियार से मारकर हमला कर दिया। इस हमले में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पीड़ित झगड़े के दौरान अपने पिता को बचाने आया था। जब वो पिता को पकड़कर घर ले जाने गया तो आरोपी उस पर टूट पड़ा। आरोपी ने परिवार के साथ मिलकर पिता को भी पीटा, जिसके बाद उनको झांसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव का झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। इसमें सिर पर चोट लगने से लड़के की मौत की पुष्टि हुई। वहीं पुलिस ने हमले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेल के कैदियों के लिए बड़ा आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी दिए जाने का आदेश दिया है। साथ ही 65 साल से ज्यादा के कैदियों को सोने के लिए अतिरिक्त गद्दा भी मुहैया कराने को कहा है। दरअसल एक बैठक के दौरान उपराज्यपाल को ये पता चला था कि दिल्ली की तीनों जेलों में कुछ वीआईपी कैदी 5,000 रुपए प्रति बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी खरीद रहे हैं, और इसी के बाद एलजी ने सभी कैदियों को गर्म पानी दिए जाने का आदेश दिया। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इसी बीच दिल्ली वासियों को कोहरे से आज थोड़ी राहत जरूर मिली है। आज कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे में कमी आने का अनुमान जाहिर किया है, और इन सब के बीच दिल्ली आने वाली 35 ट्रेन लेट चल रही है। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा जहां पर अलाव का सारा लेकर के सड़क पर बैठे हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आज कोहरा जरूर है, लेकिन कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है। विजिबिलिटी हालांकि थोड़ी कम दिल्ली में दिखाई दे रही है। उधर वाराणसी की तस्वीर भी आपके सामने है। वाराणसी को जाने वाली भी कई ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। और उधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर, पहाड़ों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से जहां ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, उधर नजारे भी दिलकश हो गए हैं। मनाली, शिमला, गुलमर्ग और कुपवाड़ा, हर तरफ बर्फबारी की तस्वीर सामने आई है। और ऐसे में जो सैलानी इन जगहों पर घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर इसके पहले आप देख रहे थे। अब अलग अलग जगहों से जो बर्फबारी की तस्वीर मिल रही है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें खासकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की अगर हम बात करें, गुलमर्ग की बात करें, मनाली और शिमला, ये चार तस्वीर आपके सामने। सबसे आखिरी तस्वीर शिमला की आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कितनी भारी मात्रा में सैलानी शिमला में इस वक्त हैं। और बाकी अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के चेहरे खिले जरूर है, लेकिन वहां के जो आम नागरिक हैं वो परेशान है। अब ये तस्वीर आपके सामने कुपवाड़ा की इस वक्त है। सड़क के ऊपर भी बर्फ है और उसे हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है, ताकि जो आवाजाही है उसे सुगम बनाया जा सके। और वही प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में कुछ गाड़ियों को फिलहाल बैन कर दिया गया है। इस लिस्ट में पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरह की कार शामिल हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, और इसी वजह से दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के ऊपर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों के ऊपर यह आदेश लागू रहेगा। चीन में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात अब पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। पता चला है कि चीन का लूनर न्यू ईयर आने से पहले ही वहां पर लाखों लोग अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करने वाले हैं, जबकि चीन के शहर कोरोना से बुरी तरह बेहाल है। कुछ शहरों का हाल तो यह है कि वहां 90% तक आबादी कोरोना की चपेट में होने की बात सामने आई है। यानी पूरा शहर कोरोना वायरस से बेहाल, यह हालात चीन के हेनान प्रांत के बताए जा रहे हैं। हेनान की कुल आबादी 9,94,00,000 है, जबकि कोरोना पॉजिटिव लोगों की गिनती 8,85,00,000 बताई गई। यानी शहर की 90% आबादी को कोरोना हो चुका है। लेकिन चीन अपने देश के लोगों को कोरोना से बचाने की बजाय ये दिखाने में लगा है कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चीन के आधिकारिक आंकड़े तो सच से कोसों दूर हैं। वहाँ की सरकार सब कुछ जानने के बावजूद सारी पाबंदियाँ हटाने पर तुली है। यहाँ तक कि चीन ने लूनर न्यू ईयर मनाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना तो भीड़ जुटाने पर और ना ही कोरोना से जुड़ी कोई दूसरी सावधानी। यहाँ तक कि अब तो चीन में कोरोना से जुड़े लक्षण होने पर टेस्ट कराना भी जरूरी नहीं है। और यही वजह है चीन की सरकार धड़ल्ले से पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रही है।
चीन के अस्पतालों में बेड खत्म है, कब्रिस्तान भर चुके हैं, यहाँ तक कि लोग खुले में अपनों के शवों को छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चीन कह रहा है कि वहाँ केवल 30 लोगों की मौत कोरोना के कारण बीते एक महीने में हुई। असल में चीन ने मरीजों का कोरोना टेस्ट कराना ही अब बंद कर दिया है, और तो और नियम इतने सख्त कर दिए गए हैं कि मरने के बाद मरीज के फेफड़ों की जांच की जा रही है। अगर शव के फेफड़ों में वायरस मिलता है तभी उसे कोरोना से होने वाली मौत से जोड़ा जाता है, जबकि जांच ना तो जीते जी हो रही है और ना ही मरने के बाद। यही वजह है कि चीन में शवों का अंबार लगा है। लेकिन चीन की सरकार बता रही है कि कोरोना के हालात काबू में हैं।